नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशियोलॉजी में। दोस्तों, नए साल को आने में बस कुछ ही दिन से बचे हैं, तो जानते हैं नए साल में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। वर्ष 2023 में चार बड़े ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु का गोचर परिवर्तन होगा। शनिदेव 17 जनवरी की रात को 4:30 बजे के बाद अपनी दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति 22 अप्रैल को अपनी मीन राशि से निकल करके मंगल की राशि मेष में गोचर करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकल करके मीन राशि में और केतु तुला से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करेगा। चार बड़े ग्रहों के परिवर्तन का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि कौन सी राशियों के लिए यह साल 2023 अच्छा रहेगा और किसके लिए बुरा रहेगा। शनि के परिवर्तन से मकर के लिए उतरती 7:30, कुंभ के लिए मध्य 7:30 एवं मीन के लिए चढ़ती 7:30 का भी काफ़ी प्रभाव दिखेगा। तो जानते हैं आपकी सभी राशियां। तो पहली बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2023 आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद सफल वर्ष के रूप में साबित होगा, क्योंकि राज्य के कारक ग्रह शनि लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लाभ में वृद्धि, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि के साथ साथ अचानक धन लाभ हो सकता है। आय के नए स्रोत से धनागमन होता दिखाई देगा। अप्रैल तक थोड़ा व्यय की स्थिति भी दिखाई देगी, परंतु अप्रैल के बाद कार्यों में भाग्य का साथ मिलता दिखाई देगा। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति कम दिखाई देगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अप्रैल तक मार्ग से भटकाव की स्थिति बन सकती है। पिता एवं माता के स्वास्थ्य को लेकर सामान्य स्थिति बनी रहेगी। अक्टूबर के बाद वर्ष के अंत तक पेट और पैर की समस्या विशेष तौर पर तनाव उत्पन्न कर सकती है। तो ये हाल था मेष राशि वालों के लिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।